हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा. वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसीए एजुकेशन हब बांसू. सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस पार्ट 13. ओके, एंड इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो सेम एज विच वी वर डिस्कस्ड इन द ट्रांसपायरेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट बिफोर डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स, लेट डिस्कस अबाउट द टू थ्योरीज. वन सेक्स कार्डिनल हाइपोथेसिस एंड अनदर ब्लैकमैन्स थ्योरी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेक्स कार्डिनल हाइपोथेसिस विच ही गिवन इन 1860, ही एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अकॉर्डिंग टू हिम, थ्री मेन अमाउंट और वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ फैक्टर विच इनिशिएट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, इट इज दैट अमाउंट ऑफ द फैक्टर विच इनिशिएट, इट मीन्स विच स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस. ओके, सो इट इज द मिनिमम वैल्यू और मिनिमम पॉइंट ऑफ दैट फैक्टर. ओके, इट मीन्स इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फैक्टर विच इनिशिएट फोटोसिंथेसिस. सेकेंड, मैक्सिमम और ऑप्टिमम वैल्यू पॉइंट, इट इज एट दिस द अमाउंट ऑफ फैक्टर विच गिवन और विच गिविंग ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स एट दिस स्टेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम और ऑप्टिमम. ओके, मैक्सिमम और ऑप्टिमम. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम और ऑप्टिमम. एंड हाईएस्ट वैल्यू और पॉइंट, इट मीन्स इट डिनोट द अमाउंट और द रेट ऑफ दैट फैक्टर विच स्टॉप्ड द फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दीज आर द थ्री, रेट और वैल्यू ऑफ ए द पर्टिकुलर फैक्टर विच इनिशिएट द फोटोसिंथेसिस, विच गिव्स द मैक्सिमम ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और विच स्टॉप द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस. ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द ब्लैकमैन्स थ्योरी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. सो ब्लैकमैन्स थ्योरी गिवन बाय द ब्लैकमैन इन 1905. ओके, इट इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ लेवेट्स लॉ ऑफ मिनिमम. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय द मोर देन वन फैक्टर, ओके, देन इट इज लिमिटेड बाय द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. सो व्हाट दिस लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी स्टेट, इट स्टेट्स दैट इफ एनी प्रोसेस अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, जैसे हमें पता है फोटोसिंथेसिस इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है. अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो उसमें टेम्परेचर है, लाइट है, अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 है, इज इट क्लियर. तो क्या है कि बहुत सारे फैक्टर इसके रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर फैक्टर. तो उस टाइम में जब बहुत सारे फैक्टर उसको क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो रेट किस पे डिपेंड करती है या किसके द्वारा लिमिटेड होती है, फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट. कोई भी फैक्टर जो मिनिमम अमाउंट में है उसके थ्रू वो अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए लाइट है, CO2 है, वो दोनों ही एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है. बट अगर हम बात करें टेम्परेचर, ओके, या हम कोई अदर फैक्टर ले लें, वो कम है, तो उससे क्या होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं क्या होगी, अफेक्टेड होगी. इंक्रीजिंग द लिमिटिंग फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर फैक्टर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इज इट क्लियर. इट मीन्स बहुत सारे फैक्टर्स है, बट अगर उनमें से एक भी फैक्टर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा.